हाय एवरीवन, वेलकम टू कैरियर टॉक्स। सो इस वीडियो में हम जो इकोनॉमिक सर्वे जो हमारे रिलीज हुई है 2020 एंड 2021 की, उसके कुछ इंपॉर्टेंट की हाईलाइट्स देखेंगे। ओके, जो वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू जो दो वॉल्यूम्स में जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होती है, सो उसके क्या करेंगे हम, उसका जो समरी है एक तरीके से उसको देखेंगे। सो सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे को रीड करने के पहले जो बच्चों के मन में जो डिफरेंसेस होते हैं उसको देख लेते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट में क्या डिफरेंस होता है। देन इकोनॉमिक सर्वे रिलीज कौन करता है, सो उसके बारे में पहले हम रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इकोनॉमिक सर्वे है, जो हमारा फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे था, वो कब रिलीज किया गया था, वो रिलीज किया गया था 1950 एंड 1951 में, एंड वॉज सबमिटेड एंड प्रेजेंट इन लोकसभा। ओके, जो हमारा फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ था 1915 एंड 1951 फाइनेंशियल ईयर पे, एंड जो 1964 है उसमें इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया था अ डे बिफोर बजट, बजट के एक दिन पहले। जैसे कि इस बार भी जो हमारा जो बजट है जो 1 फरवरी को आने वाला है, और उसके पहले जो 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ। इकोनॉमिक सर्वे एक्चुअली में करता क्या है, एक्चुअली में इकोनॉमिक सर्वे एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है जो रिव्यू करता है हमारे जो इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट को ओवर अ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके, जैसे कि 2020 का फाइनेंशियल ईयर का रिव्यू करेगा, डेवलपमेंट क्या हुआ हमारे इंडियन इकोनॉमी में, हाईलाइट्स द पॉलिसी इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस इन अ शॉर्ट टर्म एंड अ मीडियम टर्म बेसिस। एंड अगर हम यूनियन बजट की बात करें तो जो हमारा पहला यूनियन बजट था वो कब प्रेजेंट किया गया था, प्रेजेंट ऑन 26 नवंबर 1947। एंड ये कब प्रेजेंट एंड ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था, प्रेजेंट बाय द आर के सेती। एंड इन दिस बजट, इस बजट में एक खास चीज हुई थी कि द इकोनॉमी वॉज रिव्यूड एंड नो न्यू टैक्सेस वॉज इम्पोर्ट, कोई भी नया टैक्स इम्पोज नहीं किया गया था इस यूनियन बजट में। एंड जो यूनियन बजट होता है वो कब प्रेजेंट किया जाता है, जब इकोनॉमिक सर्वे के बाद प्रेजेंट किया जाता है। ओके, इज प्रेजेंटेड अ डे आफ्टर द इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड। एंड यूनियन बजट में क्या डिस्कस होता है जो डिफरेंट होता है इकोनॉमिक सर्वे से, सो यूनियन बजट में जो अपकमिंग जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए रिवेन्यू एक्सपेंसेस वो सब चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो हमने यूनियन सर्वे एंड यूनियन सॉरी इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट के बारे में हमने कुछ नॉर्मल जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो डिस्कस किया। अब याद रखिए कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड ये किसके गाइडेंस के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, बाय द ओवरऑल गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। एंड ये रिलीज किसके बाद होता है, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उसके अप्रूवल के बाद ही ये इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया जाता है। और जो इकोनॉमिक सर्वे जो एक डॉक्यूमेंट है जो दो वॉल्यूम में रिलीज होता है, वॉल्यूम वन एंड वॉल्यूम टू, सो जो डॉक्यूमेंट है ये प्रेजेंट किया जाता है दोनों पार्लियामेंट हाउस में। ओके, ड्यूरिंग द बजट सेशन, जो इन बजट हमारा जो होने वाला है उस टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ पर हम समरीज देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ है उसके जो इम्पोर्टेंट जो की हाईलाइट्स उसको डिस्कस करते हैं। जो पहला है हमारा क्या है, Saving lives and the livelihoods amidst a once in a century crisis. So, यहाँ पर जो century crisis की बात की जा रही है, यहाँ पर जो कोरोना जो pandemic जो globally जो occur हुआ था, तो वहाँ पर जो हमारी जो government है, वहाँ भी वह हमारी जो government है, उन्होंने किस पे focus किया, lives and livelihoods पे focus किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है कि हमारी government ने economy पे focus ना करके lives and livelihood पे focus किया। एंड जो कोरोना के कारण जो हमारी इकोनॉमी थी, अगर हम जीडीपी की बात करें तो हमारी जो फर्स्ट क्वार्टर की जो जीडीपी थी, ठीक है, वो कितनी डिक्लाइन हुई कोरोना के कारण, 23% डिक्लाइन हो गई। ओके, एंड यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट क्या की, तभी भी लॉकडाउन जारी रखा, और लॉकडाउन जारी रखने का एक मेन रीजन क्या था, सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। सो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी में किस तरीके से गहरा इम्पैक्ट पड़ा है कोरोना के कारण, एंड हमारी गवर्नमेंट ने लाइव्स एंड लाइवलीहुड को बचाने के लिए एक प्रिंसिपल का यूज किया, दैट इज ह्यूमेनी प्रिंसिपल। ह्यूमेनी प्रिंसिपल मतलब मानवता सिद्धांत कहा जा सकता है इसको, तो मानवता को बनाए रखने के लिए उन्होंने उन्होंने ये प्रिंसिपल को यूज किया। और वहां पर उन्होंने बताया कि जो ह्यूमन लाइव्स है वो कभी भी मतलब कैन नॉट बी ब्रॉट बैक,
ओके, एक बार किसी की डेथ हो गई तो उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता, बट द जीडीपी विल रिकवर। ओके, लेकिन जीडीपी क्या है, जीडीपी को जो पैंडेमिक के कारण जो जो शॉक हुआ है, ओके, एक तरीके से जो डाउन हुई है, जो डिक्लाइन हुई है, उसे रिकवर बाद में किया जा सकता है। एंड यहाँ पर लोगों को लाइफ्स को बचाने के लिए, यहाँ पर कोरोना को दूसरों से जो कांटेक्ट में आने से, ओके, जो एक पर्सन है जो कोरोना से जो कांटेक्ट में आ रहा है, उसको रोकने के लिए, ओके, यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लॉकडाउन लगाया पूरे देश में। अब जो लॉकडाउन लगाया तो वो एक भिन्न भिन्न स्ट्रेटेजी कहलाई गई, ठीक है। इससे क्या हुआ, भिन्न भिन्न स्ट्रेटेजी क्यों कहलाएगी, क्योंकि इससे लाइफ तो बचे, इट सेव द लाइफ एंड ऑल्सो प्रिजर्व द लाइवलीहुड बाय द इकोनॉमिक रिकवरी इन द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बेसिस। ओके, तो ये हमने अभी इतना ही डिस्कस किया कि ये हमारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो डिस्कस कर रहे हैं हमने, की हाइलाइट्स। देन उसके बाद यहाँ पर बात की जा रही है स्ट्रेटेजी आल्सो मोटिवेटेड बाय द नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च बाय हैंसन सैरियंट एंड अ पॉलिसी फोकस्ड ऑन द मिनिमाइजिंग द लॉसेस इन द वर्स्ट केसेस सिनेरियो एंड द अनसर्टेनिटी इज वेरी हाई। यहाँ पर अनसर्टेनिटी की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि देखिए, जब स्टार्टिंग में जब कोरोना आया था तो इसका ना तो रीजन पता चल रहा था एंड ये किस तरीके से गहरा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हाई थी। इसके लिए यहाँ पर लॉकडाउन लगाना एक अच्छा रिजल्ट माना जाता है, एक अच्छा परिणाम माना जाता है, कि जिससे क्या हुआ, लोगों की जिंदगी और जो लाइवलीहुड्स को गहरा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ओके, तो ये जब अनसर्टेनिटी ज्यादा हाई थी, इस कारण यहाँ पर लॉकडाउन के एक अच्छा स्टेप माना जा रहा है गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया टूवर्ड्स दिस पैंडेमिक। ओके, एंड यहाँ पर देखा जाता है कि जब सितंबर को जो हमारा जो महीना था सितंबर 2020 का, उस टाइम क्या देखा गया, एक तरह का पीक देखा गया, ठीक है। जो केसेस थे वो अचानक से किस तरीके से ग्रो होने लगे, आपने भी देखा होगा कि 2020 सितंबर में ग्रो होने लगे, लेकिन 2020 के बाद जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिया था लॉकडाउन का, ओके, उसको क्या किया, लॉकडाउन एक्सटेंड जो करते गए, उसके कारण तरह का एक्सपीरियंस किया गया डिक्लाइनिंग और डेली केसेस। ओके, इस तरीके से हमारा जो केसेस था वो डिक्लाइन होने लगा, और डिक्लाइन होने के बाद यहाँ पर वी शेप्ड रिकवरी की बात की जा रही है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वी शेप्ड रिकवरी क्या होती है। उसके पहले हम जो यहाँ पर पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारा जो डिक्लाइन हुआ, देखिए सितंबर के बाद जो हमारा जो कोरोना केसेस है, ओके, वो जिस तरीके से डिक्लाइन होने लगा, तो जो क्वार्टर वन में जो जीडीपी डिक्लाइन हुई थी, कितनी जीडीपी डिक्लाइन हुई थी, 23.9%। ओके, जो जीडीपी डिक्लाइन हुई थी क्वार्टर वन में, वो क्वार्टर टू में कितनी डिक्लाइन हुई, 7.5। सो देखिए किस तरीके से कंपेयर किया जा रहा है, यहाँ पर जो दो क्वार्टर है, क्वार्टर वन में 23.9 डिक्लाइन हुआ और क्वार्टर टू में 7.5, तो कितना कम डिक्लाइन हुआ है क्वार्टर टू में ड्यू टू द डिक्लाइनिंग ऑफ केसेस। ओके, एंड इसको यहाँ पर जो डिक्लाइन किया गया है, ओके, 23.9 से 7.5, तो इसको वी शेप्ड रिकवरी बताई जा रही है। वी शेप्ड रिकवरी का मतलब क्या होता है उसको मैं बता देता हूँ। देखिए तीन प्रकार के शेप होते हैं, वो एक वी शेप होता है, एक यू शेप होता है, एक एल शेप होता है। जो वी शेप रिकवरी होता है उसे क्या कहते हैं, देखिए जो ये 0% है, एज अ एक मिनिमम लाइन ले लीजिए, 0% है, ओके, ये क्वार्टर के समझ लीजिए, एंड ये इस साइड की जो लाइन है इसको मान लीजिए जीडीपी। सो ये ऊपर यहाँ पर जीडीपी और नीचे साइड ले लीजिए टाइम टेकन, कितना टाइम लिया। सो जैसे कि मान लीजिए हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी अचानक से डिक्लाइन हुई, डिक्लाइन होने के बाद एक कम टाइम पे, बहुत ही कम टाइम पे अचानक से ऊपर जाना जीडीपी का। ओके, देखिए 23.9 कॉन्ट्रैक्शन से 7.5 पे डिक्लाइन होना, तो अचानक से जीडीपी का डिक्लाइन होना, फिर कम टाइम में ही ऊपर उठना, जीडीपी का अप होना, उसको कहते हैं वी शेप। ओके, वी शेप रिकवरी इसलिए यहां पर इसको बताई जा रही है। यू शेप रिकवरी क्या होती है, जब जीडीपी एक अचानक से डिक्लाइन हो लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा ले, ओके, टाइम थोड़ा ज्यादा लेकर अप हो, कोई भी जीडीपी बाद में थोड़ा टाइम लेके अप हो, उसको कहते हैं यू शेप रिकवरी। इसलिए वो क्या हो जाता है, यू शेप में बन जाता है वो रिकवरी। ओके, यहाँ पर वी शेप क्यों है, क्योंकि तुरंत डिक्लाइन हुआ, थोड़ा टाइम लिया और जल्दी से रिकवर हुआ, तो उसको कहते हैं वी शेप रिकवरी। एंड थोड़ा जो ज्यादा टाइम लेके करे, दैट इज कॉल्ड यू शेप रिकवरी। एंड जिसको जिसपे डिक्लाइनिंग बहुत ज्यादा हो, डिक्लाइनिंग बहुत ज्यादा हो, रिकवरी के रेशियो बहुत, रिकवरी जो रिकवर जो होने वाली जो जीडीपी है वो ना हो, ठीक है, एक जो पीरियड है जीरो, जो जीरो एक लाइन लिया गया हो यहाँ पर, जैसे 0% एक लाइन लिया गया है, ओके,
ओके ये लाइन ले लीजिए. सो वहां पर जो एल शेप होता है उसमें रिकवरी नहीं देखी जाती, तो दैट्स कॉल्ड एल शेप. तो यहां पर वी शेप रिकवरी की बात की जा रही जो हमने डिस्कस किया. ओके होप आपको इतना समझ में आया होगा. देन हम आगे चलते हैं. आगे है जो कोविड जो पैंडेमिक था उसने बोथ डिमांड एंड सप्लाई दोनों को अफेक्ट किया है. एंड इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अनाउंस किया. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जैसे कि फॉर्म्स लॉ के एक तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन ये अभी जो फाइट चल रही है फॉर्म्स के, तो इसको एक अच्छा एग्जांपल नहीं मान सकते, बट ऐसा ले सकते हैं कि फॉर्म लॉ हो गया, या फिर लेबर कोड, एक लेबर लॉज को हम एक अच्छा यहाँ पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मान सकते हैं. तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म यहाँ पर आप लेबर लॉज ले सकते हैं. तो हमारी जो इंडिया है वो एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने अनाउंस किया सम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स टू एक्सपैंड द सप्लाई. सप्लाई मतलब बूस्टिंग द मनी टू द इकोनॉमी. क्योंकि देखिए जो हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्या हो गई थी, रुक सी गई थी. क्योंकि मनी सप्लाई जाएगा, जब मनी सप्लाई किसी भी जब मार्केट में जाएगा तभी कंट्री ग्रो करेगी, तभी जीडीपी बढ़ेगी. सो इसके कारण क्या हुआ, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आए एंड टू फॉर द डिमांड एंड सप्लाई. ओके एंड हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्टार्ट किया कैलिब्रेटेड डिमांड साइड पॉलिसीज. ओके कि किस तरीके से डिमांड मार्केट में उठे, क्योंकि जब डिमांड मार्केट में उठेगा तब जो जिस चीज की डिमांड होगी वो मार्केट में आएगी. देन जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या होंगे, खरीदेंगे उसको. तो इस तरीके से डिमांड सप्लाई अप्रोच बढ़ेगा. तो यहाँ पर गवर्नमेंट ढेर सारी डिमांड साइड पॉलिसीज लाने लगी. ओके कि जिससे डिमांड्स और सप्लाई अफेक्ट ज्यादा ना हो. और यहाँ पर एक बढ़िया सा एक एग्जाम्पल दे रही है हमारी गवर्नमेंट, दैट यू पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम सच एज अ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. ओके यहाँ पर इनकी इसकी बात की जा रही है. उन्होंने एक जो प्रोजेक्ट है, जो एक प्रोग्राम उन्होंने इनिशिएट किया, दैट इज अ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. और ये किस लिए लाया गया, टू एक्सेलरेट द डिमांड पुश एंड फर्दर रिकवरी. रिकवरी के लिए एंड डिमांड पुश के लिए यहाँ पर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को लाया गया है. ओके और इसका जो मेन प्रोजेक्ट है, इसका कवरेज कब तक है, 2024 तक में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को पूरा करना है. सो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या होगा, अब कोई भी चीज मान लीजिए बनेगी, अगर मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ, कोई एक बिल्डिंग अगर वो बनती है तो उस पर क्या होगा, ईंटों को लगे ईंट लगेंगी या फिर सीमेंट्स लगेंगी. तो सीमेंट के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल फिर हम लेंगे. फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इससे लोग भी तो चाहिए ना, कि लोग जब लोग चाहिए तब वो घर बनेगा. तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी हमारी. ओके एंड हमारा मार्केट भी बूस्ट होगा, इकोनॉमी में पैसे जाएंगे. सो इस तरीके से यहाँ पर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को यहाँ पर एक तरीके से वर्क किया जा रहा है, टू एक्सेलरेट द डिमांड पुश एंड फर्दर इकोनॉमी. एंड इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट वर्क कर रही है कि जो इस तरीके से वर्क कर रही है कि हम जो सेकेंड इन्फेक्शन है उसको अवॉइड कर पाए. जो सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन जो हमारे जो यूके में देखा गया था, कि जो एक नया कोरोना वायरस जो म्यूटेशन है जो पाया गया है, जो फैला गया है, तो एक सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन को रोकने के लिए यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट कर रही है. जैसे कि अभी जो वैक्सीनेशन ड्राइव प्रोग्राम चल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, इस तरीके से हम एक तरीके से सिक्योर सेफ में एक सेफ एरिया में जा रहे हैं. ओके देन ये था हमारा जो पहला जो इम्पोर्टेंट जो समरी है, हमने इसको डिस्कस किया. देन यहाँ पर बेयर नेसेसिटीज की बात की जा रही है. जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रिलेटेड है वो बेयर नेसेसिटीज के बारे में बात की जा रही. तो बेयर नेसेसिटीज क्या होता है, एक नॉर्मल कोई भी एक नॉर्मल इंसान ले लीजिए आप, एक नॉर्मल इंसान को किस चीज की जरूरत होती है, ओके प्रॉपर ड्रिंकिंग की, ओके प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए, हाउसिंग होना चाहिए, तो दैट्स कॉल्ड बेयर नेसेसिटीज. तो उसको कहते हैं हम बेयर नेसेसिटीज. सो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने इस जो पैंडेमिक के टाइम पे हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक इंडेक्स प्रिपेयर किया. इंडेक्स का क्या नाम रखा, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स. क्या नाम था, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स. एंड इस बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स में उन्होंने 5 डायमेंशंस रखे कि उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है. ठीक है, सो एक्सेस टू वाटर होना चाहिए, हाउसिंग, सैनिटाइजेशन, माइक्रो एनवायरमेंट एंड अदर फैसिलिटीज. सो इन सब चीजों को सुधारने के लिए एक बेयर नेसेसिटी इंडेक्स लाया गया, जिससे लोगों को ये सारी चीजें मिले. ठीक है, एंड यहाँ पर हमें देखा गया
कि जो 2012 था उससे कंपेयर किया गया 2018 को, और वहां पर देखा गया कि हमारे जो 2018 में जो स्टेट है वो कुछ ज्यादा इम्प्रूव किया गया है एज कम्पेयर टू 2012। एंड उसमें से कुछ हाईएस्ट स्टेट है जिन्होंने बेयर नेसेसिटीज में जो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट लाया है, वो पहला स्टेट कौन सा? केरला, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। और जो लोवेस्ट है, जिन्होंने लोवेस्ट दिखाया है कि बहुत कम जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है, दैट इज उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया था बेयर नेसेसिटीज क्या है। उसके बाद यहाँ पर जो बात की जा रही है, यहाँ पर कुछ स्कीम्स की बात की जा रही है जो बेयर नेसेसिटीज को फुलफिल करने में हेल्पफुल हुई है, दैट इज अ जल जीवन मिशन। ओके, जल जीवन मिशन का नॉर्मल से एम है कि हर घर हर जल बाय 2024, और अ पोर्टेबल वाटर मीन्स एक ड्रिंकिंग वाटर अभी होना चाहिए। तो दीज आर द टू मोटो ऑफ द जल जीवन मिशन एंड स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण योजना, देन दी प्रधानमंत्री आवास योजना, एंड दीज आर स्कीम्स जो यहाँ पर मेंशन की जा रही हैं कि किस तरीके से बेयर नेसेसिटीज को फुलफिल करेंगी। एंड जो ये नेसेसिटीज हैं, ओके, याद रखिएगा कि दीज बेयर नेसेसिटीज ऑल्सो इम्प्रूव लेड टू द इम्प्रूवमेंट इन दी हेल्थ इंडिकेटर्स, लोगों की जो हेल्थ है उसमें भी सुधार आएगा। क्योंकि देखिए, अगर बहुत सारी जो जो बीमारियां वो पानी से होती हैं, अगर पानी सुधर जाएगा तो कुछ हेल्थ इंडिकेटर्स भी हमारे सुधरे जाएंगे, एंड ऑल्सो इम्प्रूवमेंट इन दी फ्यूचर एजुकेशन इंडिकेटर्स। एंड यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सुधार देखे गए हैं, सबसे ज्यादा अगर इम्प्रूवमेंट हुआ है तो दैट इम्प्रूव इन दी पुअरेस्ट हाउस होल्ड एज कम्पेयर टू दी रिचेस्ट हाउस होल्ड अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज। अगर हम रिचेस्ट हाउस होल्ड से कंपेयर किया जाए तो पुअरेस्ट हाउस होल्ड को यहाँ पर ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखा गया है इस इंडेक्स में। ठीक है, एंड यहाँ पर इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज भी डिक्लाइन हुई है अक्रॉस द रूरल अर्बन एरियाज। मतलब इंटर स्टेट मतलब मान लीजिए यहाँ पर दो स्टेट है, ठीक है, मान लीजिए दो स्टेट है, मान लीजिए केरला है, दूसरा उड़ीसा। तो पहले क्या था, केरला तो टॉप कर ही रहा है, लेकिन उड़ीसा भी, उड़ीसा कम कर रहा है। ठीक है, उड़ीसा जैसे लोवेस्ट है, लेकिन दोनों स्टेटों के बीच थोड़ा गैप, जो पहले बहुत ज्यादा ब्रॉड गैप था, ठीक है, वो क्या हो रहा है, गैप कम हो रहा है। तो दोनों के बीच में जो डिस्पैरिटीज है वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, एंड ये था बेयर नेसेसिटीज से रिलेटेड। तो ये था हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारा है वो है रिलेटेड स्टेट ऑफ द इकोनॉमी इन 2020 एंड 2021 अ मैक्रो व्यू। तो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं जो COVID-19 है। ठीक है, सो हमारी जो COVID-19 ने क्या किया, एक ग्लोबली इकोनॉमिक डाउन डाउन टर्न किया, जो ग्लोबल की जो इकोनॉमी उसको बहुत ज्यादा डाउन टर्न किया। एंड इसे कब देखा गया, इसके पहले एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, आपको याद होगा, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी उस टाइम पे ये सिचुएशन देखी गई थी, और वो सेम सिचुएशन ये पैंडेमिक, जो COVID-19 पैंडेमिक आया उस टाइम पे इसे देखा गया। और जो मेन रीजन है, अगर हम बात करें कि मेन रीजन क्या है ग्लोबल इकोनॉमी का जो डाउन हुई है, जो ग्लोबल की इकोनॉमी जो डाउन हुई है, इसका मेन रीजन क्या है, लॉकडाउन। ओके, क्योंकि जब लॉकडाउन हो गया तो लोगों का मूवमेंट बंद हो गया, लोगों का मूवमेंट बंद हो गया, जो प्राइवेट कंजप्शन होते हैं, जैसे कि एक आम इंसान कुछ चीजें अपने लिए खरीदता है उसको कहते हैं प्राइवेट कंजप्शन, खुद के लिए जो चीज खरीदता है वो भी क्या हो गई, बंद होने लगी। तो दैट कॉजेस अ इकोनॉमिक डाउन टर्न। ठीक है, एंड यहाँ पर एक सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स भी फॉलो किया गया था, जिससे कि कोरोना यहाँ पर जो फैले ना लोगों के बीच, जो जो दो लोग भी जैसे कांटेक्ट में आते थे, अगर इन्फेक्टेड पर्सन के पास कांटेक्ट में आते, अगर वो स्नीजिंग करता, कफिंग करता, तो उससे क्या होता था, फैल जाता था कोरोना उसके। तो यहाँ पर इसका भी खास ध्यान रखा गया। जो हमारी IMF है, उन्होंने एस्टिमेट किया जनवरी 2021 में, एस्टिमेट किया कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट एस्टिमेटेड टू फॉल बाय 3.5%। आप इसे याद रखिएगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी, जैसे कि दैट इज ये, जैसे कि IMF का जो जनवरी में एस्टिमेट है कि जो ग्लोबल की इकोनॉमिक आउटपुट है वो एस्टिमेट कितना होगा, कितनी गिर से गिर जाएगी, टू बी फॉल बाय 3.5% इन 2020। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने क्या वर्क किया, हमारी गवर्नमेंट ने क्या वर्क किया, हमारी गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, आरबीआई ने क्या किया, ढेर सारी पॉलिसीज लेके आई, जैसे कि लोवरिंग द पॉलिसी रेट। लोवरिंग द पॉलिसी रेट इट मींस रेपो रेट की बात, यहाँ पर हम अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ रेपो रेट, तो यहाँ पर 115 रेपो रेट ऐसे पहले कम किया गया था। ऑटोमोबाइल सेक्टर को यहाँ पर बूस्ट किया गया कि किस तरीके से इकोनॉमी में पैसे डाले जा रहे थे हमारी आरबीआई द्वारा। ओके, यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर ने बहुत ज्यादा यहाँ पर वर्क किया।
कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में पैसे इंजेक्ट किए जा रहे हैं, तो जिस तरीके से इकोनॉमी हमारी थोड़ा ग्रो करे। ओके, यहाँ पर क्वांटिटेटिव इज मेजरिंग यूज किया गया। ओके, क्वांटिटेटिव कंट्रोल या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस यूज किए गए फॉर सपोर्टिंग द इकोनॉमी। हमारी जो इंडिया है उन्होंने 4 पिलर की स्ट्रेटेजी अपनाई थी। 4 पिलर स्ट्रेटेजी मतलब कंटेनमेंट, फिस्कल, फाइनेंशियल एंड द लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो ये चार चार पिलर उन्होंने अपनाया था, अडॉप्ट 4 पिलर स्ट्रेटेजी टू हैंडलिंग दिस पैंडेमिक, दैट इज अ कंटेनमेंट, कंटेनमेंट मतलब कोरोना से किस तरीके से बचे, देना फिजिकल और फाइनेंशियल पॉलिसी, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड द लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जैसे लेबर लॉस हो गया इसे। ठीक है, तो इसके अंदर जो 4 पिलर स्ट्रेटजी, उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो हमारी गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाया कैलिब्रेटेड फिस्कल एंड मॉनिटरी सपोर्ट, जो मैंने आपको अभी बताया कि दैट इज अ रेपो रेट, या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करना। ठीक है, उसके बाद रेपो रेट का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। जैसे कि आरबीआई हो गया, आरबीआई क्या करती है, एक तरह का लोन देती है। लोन किन्हें देती है, कॉमर्शियल बैंक्स को देती है। तो देख लीजिए, मान लीजिए COVID-19 के पहले की मैं बात करूं, तो कॉमर्शियल, जैसे कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई लोन कितने में दे रही है, मान लीजिए 5% इंटरेस्ट में लोन दे रही है। लेकिन जब COVID-19 सिचुएशन आई तो इंटरेस्ट जो रेट है उसको क्या कर दी, कम कर दी। ठीक है, और जो रेपो रेट था वो पहले एक टाइम, एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग लोन है ना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग लोन था एक रेपो रेट, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, लॉन्ग टर्म कर दिया गया कि अब हम लॉन्ग टर्म लेंगे। तो इससे क्या होगा, लोग बैंक क्या करेंगी, पैसे लेंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फिर बैंक जब पैसे लेंगी देन सप्लाई ज्यादा होगी मनी की, तो दैट्स कॉल्ड, यहाँ पर रेपो रेट का यूज किया गया। ठीक है, देन ढेर सारी पॉलिसीज लाई गई इंडियन गवर्नमेंट की फॉर द लाइवलीहुड्स टू। ठीक है, एंड देन यहाँ पर अफेवरेबल मॉनेटरी पॉलिसी लाया गया। ठीक है, हमने जो डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। सो ये था कुछ रिलेटेड, जो 4 पिलर स्ट्रेटेजी थी वो किससे रिलेटेड थी। उसके बाद यहाँ पर जो इंडिया की जो रियल जीडीपी है, ठीक है, यहाँ पर याद रखिए कि जो एस्टिमेट किया गया है, जो आईएमएफ का जो हमारा इंडिया के लिए क्या प्रोजेक्शन है उसको डिस्कस करते हैं। तो इंडिया जो आईएमएफ का जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, इंडिया एक पहली कंट्री होगी जो रिकॉर्ड करेगी डबल डिजिट ग्रोथ रिकॉर्ड करने वाली है इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2021 एंड 2022 में, जिसमें रियल जीडीपी हमारी रिकॉर्ड होगी 11.0% ग्रोथ एंड नॉमिनल जीडीपी ग्रो होगी 15.4% एंड द हाईएस्ट सिंस द इंडिपेंडेंस। जो आईएमएफ का ये प्रोजेक्शन है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में हमारी जो इंडिया है जो एक पहली कंट्री होगी जो डबल डिजिट ग्रोथ करेगी। सो ये जो डबल डिजिट ग्रोथ करने का जो मेन रीजन है वो क्या है, ठीक है, तो डबल डिजिट ग्रोथ करने का जो मेन रीजन अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो मेन रीजन है लो बेस। ठीक है, तो ये लो बेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो हमारी अभी करंट जीडीपी कितनी चल रही है, -7.7% जो हमारी करंट जीडीपी चल रही है। ठीक है, तो इतनी जो लो जीडीपी होने के कारण क्या होगा, जो तो हमारा क्या होगा, बेस क्या हो गया, लो हो गया। ठीक है, हमारे जीडीपी 7% है अभी, तो बेस भी क्या हो गया, कम हो गया, और लो बेस के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, जो जीडीपी है हमारी इतनी डबल डिजिट होने वाली है। एंड दूसरा अनदर रीजन क्या है ये डबल डिजिट होने का, नॉर्मलाइजेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज अ रोल आउट ऑफ COVID-19 वैक्सीनेशन गैदर ट्रैक्शन। ओके, और दूसरा जो मेजर रोल प्ले कर रहा है वो कर रहा है COVID-19 वैक्सीन जो रोल आउट प्रोग्राम चल रहा है, दैट इज उसके कारण क्या हो रहा है, दो चीजों के कारण डबल डिजिट का ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। ये प्रीलिम्स पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा आईएमएफ का प्रोजेक्शन डबल डिजिट वाला ग्रोथ वाला, इसे आप याद रखिएगा। देन उसके बाद हम नेक्स्ट चीज हम देखते हैं यहाँ पर, इंडिया एक्सपेक्टेड टू हैव अ करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ 2% ऑफ जीडीपी इन द फाइनेंशियल ईयर 21 एंड इज अ हिस्टोरिक हाई आफ्टर 75 ईयर्स। सो इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका जो जीडीपी है, जो करंट अकाउंट सरप्लस चलने वाला है 2% ऑफ जीडीपी, ठीक है, करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ 2% ऑफ जीडीपी इन द इन इन 2021, और ये एक हिस्टोरिक हाई होगा आफ्टर 17 ईयर्स। सो करंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है, एक नॉर्मल सी चीज है मैं आपको बता देता हूँ। करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब ये होता है, मान लीजिए आप इम्पोर्ट कर रहे हैं कुछ चीज, या तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या फिर ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स, ठीक है,
तो करंट अकाउंट सरप्लस कब होता है, जब हमारा क्या होता है इंपोर्ट कम होता है, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट का मतलब होता है कोई चीज बाहर से मंगाना, एंड एक्सपोर्ट का मतलब होता है यहां से कोई चीज भेजना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, जो बाहर, जो इंडिया के जो लोग हैं जो बाहर वर्क कर रहे हैं और इंडिया में मनी भेज रहे हैं। ठीक है, तो जब इन सब चीजों के पॉजिटिव जब इन सब चीजों का अगर हम नेट निकाले, वो अगर वो पॉजिटिव में आए तो उसको कहते हैं करंट अकाउंट सरप्लस। ठीक है, एंड करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, जब हमारा एक्सपोर्ट कम हो और इंपोर्ट ज्यादा हो तब वो कहला जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। लेकिन यहाँ पर खास बात पता चल रही है कि इंडिया एक्सपेक्टेड टू हैव अ करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ 2% ऑफ जीडीपी इन द फाइनेंशियल ईयर 21 एंड इट्स अ हिस्टोरिक हाई आफ्टर 17 इयर्स। एंड सप्लाई साइड की बात करें तो ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ जो कि -7.2% होने वाला है इन फाइनेंशियल ईयर 21 एज अगेंस्ट द 3.9 इन फाइनेंशियल ईयर 20। ओके, एंड यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ग्रोथ की बात की जा रही है, वो क्या है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, वो देखा गया है कि वो इंक्रीज हुआ है विद द ग्रोथ ऑफ 3.4%। जो इंडियन इकोनॉमी इन फाइनेंशियल ईयर 21 है उसमें 3.4% का ग्रोथ रेट देखा जा रहा है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर वो नॉर्मली इतना ग्रोथ कभी दिखाता नहीं है। ओके, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की, वो ग्रोथ दिखा रहा है, 3.4% ग्रोथ दिखा रहा है। और यहाँ पर एग्रीकल्चर को यहाँ पर एज अ सिल्वर लाइनिंग दिखाया जा रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर रिमेन द सिल्वर लाइनिंग। ओके, एंड व्हाइल दी अनदर सर्विसेज की बात करें हम, तो जैसे इंडस्ट्री एंड द सर्विसेज है जिसमें इंडस्ट्री 9.6% कॉन्ट्रैक्ट होने वाली, कॉन्ट्रैक्ट मतलब -9.6%, एंड सर्विस जो है -8.8% दिखाया जा रहा है 21 में, फाइनेंशियल ईयर 21 में। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर एक सिल्वर लाइनिंग की तरह यहाँ पर दिख रही है। एंड जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है, एंड द कंस्ट्रक्शन वर हिट हार्ड मतलब हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हिट कर रही है। ओके, लेकिन हम आगे चल के भी इसको डिस्कस करने वाले किस तरीके से हमारी इंडस्ट्री, यहाँ पर आगे बताया गया है इस इकोनॉमिक सर्वे में कि किस तरीके से इंडस्ट्री और सर्विसेज है वो किस तरीके से रिकवर की जाएंगी, तो उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड अब हम इसमें और देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इंडिया रिमेन यहाँ पर अभी भी इतना जो इकोनॉमी जो डिक्लाइन है हमारी, जो जीडीपी -7% जो है जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है, तभी भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इंडिया इज ऑल्सो रिमेन अ प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। ओके, इन फरवरी 2020-2021 एंड जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसने ऑल टाइम, उसने क्या किया, रिकॉर्ड किया हाई। ओके, रिकॉर्डेड ऑल टाइम हाई, हमेशा हाई ही रहती है ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर हाई ही दिखा रहा है। एंड इंडिया वाज द ओनली कंट्री अमंग द मार्केट्स टू रिसीव अ इक्विटी ऑफ एफआईआई इनफ्लो इन द 2020। ओके, एंड उसके साथ साथ यहाँ पर जो बियॉन्ड जो सेंसेक्स एंड निफ्टी है, ओके, ये लोग भी क्या हुआ है, इनका भी जो मार्केट कैप है टू द जीडीपी रेशियो क्रॉसिंग 100% फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अक्टूबर 2020 से इनका जो रेशियो है ये 100% से पार हो गया है। मार्केट कैप का मतलब होता है, मान लीजिए सेंसेक्स या फिर निफ्टी के अंदर कोई, सेंसेक्स के अंदर मान लीजिए कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, उस कंपनी का मार्केट वैल्यू क्या है उसको कहते हैं मार्केट कैप। एंड इनका जो मार्केट कैप है इसका भी रेशियो क्या हो रहा है, क्रॉस हो गया 100% से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो बात की जा रही है यहाँ पर सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन की, वो भी क्या हो रहा है, सीधे धीरे धीरे से सॉफ्ट हो रहा है। रिजल्ट कब हुआ था हम देखिए, जब कोरोना आया था तब देखिए आप सितंबर के महीने में, ओके, अक्टूबर के महीने में क्या होता था, जो फूड के जो प्राइसेस है, जो एसेंशियल फूड के प्राइसेस, वो क्या हो गया था, अचानक से इंक्रीज हो गए थे। तो वहां पर क्या हो गया था, जो सीपीआई का इन्फ्लेशन वो क्या हो गया था, रिजिड हो गया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो सीपीआई का इन्फ्लेशन अब सॉफ्ट हो रहा है। एंड जो सॉफ्ट होने का मेन कारण यहाँ पर दिखाया गया है वी शेप्ड रिकवरी, जो कि हमने बताया। और वी शेप्ड रिकवरी सिर्फ सीपीआई इन्फ्लेशन में नहीं देखी गई और बहुत सारी चीजों में देखी गई, जैसे कि ई वे बिल्स, जीएसटी कलेक्शन, स्टील कंजप्शन, इन सब चीजों में भी वी शेप्ड रिकवरी देखी गई है। एंड जो जीएसटी कलेक्शन है सबसे ज्यादा कलेक्शन हुआ है जीएसटी का अभी तक में, रिकॉर्डेड दी हाई मंथली जीएसटी कलेक्शन, याद रखिएगा सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन यहाँ पर देखा गया है, रिकॉर्डेड दी हाई मंथली जीएसटी कलेक्शन इंटर एंड द इंटरेस्ट रेट मूवमेंट में। ओके, एंड दी
पर हम एक्सटर्नल सेक्टर की अगर हम बात करें, ओके, या हमारी जो एक्सटर्नल सेक्टर है, जैसे एक्सटर्नल से मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ओके। सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या है, एक ग्रोथ देखा गया है, विद इंडिया रिकॉर्डिंग अ करंट सरप्लस ऑफ 3.1% ऑफ जीडीपी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21। सो देखिए, मैंने अभी आपको बताया करंट अकाउंट सरप्लस 2% बताया आपको, फिर यहाँ पर जो 3.1% लिखा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो 2% है वो ओवरऑल बताया गया है, और जो 3.1% है यहाँ पर बताया गया, ये फर्स्ट हाफ का बताया गया फाइनेंशियल ईयर 21 का, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल सेक्टर जो ग्रोथ होने वाला है फर्स्ट हाफ में, यहाँ पर 3.1% का करंट अकाउंट सरप्लस दिखाया गया, फिर ओवरऑल 2% का दिखाया गया है, ठीक है। सो ये रीजन क्या है इसका, करंट अकाउंट सरप्लस का जो होने वाला है जो फर्स्ट हाफ में फाइनेंशियल 21 में, सो इसका रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन है स्ट्रॉन्ग सर्विस एक्सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट का मतलब हमने क्या किया है, जो हमारा जो मिनिमम जो बेसिक नीड्स है हमारी, जो मिनिमम जो जो बेसिक जो नीड्स थी पहले, जो इंडिया पहले हमें, पहले इंडिया क्या करती थी, इंपोर्ट कुछ चीजें करती थी, जैसे POL, पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट्स, इसे पहले इंडिया क्या करती थी, इंपोर्ट करती थी, लेकिन अब इंडिया क्या कर दी है, इसे बंद कर दी है, तो अब इंडिया इसे इंपोर्ट नहीं कर रही। तो इंपोर्ट नहीं कर रही तो क्या हो रहा है, सिर्फ अब कुछ चीजों का एक्सपोर्ट कर रही थी, जब इंपोर्ट बंद होगा एंड एक्सपोर्ट अच्छा होगा, तो दैट इट मेक्स स्ट्रॉन्ग सर्विस एक्सपोर्ट। तो एक मेन रीजन है करंट अकाउंट सरप्लस का, याद रखिएगा। एंड जो दूसरा रीजन है, दैट इज अ फॉरेक्स रिजर्व। हमारे पास इतना फॉरेक्स रिजर्व अभी इकट्ठा हो गया है कि हम कोई भी एक चीज अभी 18 मंथ तक इंपोर्ट कर सकते हैं। एक अच्छा फॉरेक्स रिजर्व इकट्ठा होना भी एक जगह पे होना, ये अच्छा एक रीजन है करंट अकाउंट सरप्लस का। देन थर्ड वन इज एक्सटर्नल डेब्ट एज अ रेशियो टू जी डी पी इंक्रीज टू 21.6% एट द एंड ऑफ सितंबर 2020। एंड यहाँ पर जो एक्सटर्नल डेप्ट का इंक्रीज होना, ये भी एक अच्छा रीजन है। और ये सब तीन रीजन है जिससे हमारी जो एक्सटर्नल सेक्टर है वो ग्रोथ देखने वाली है, ओके, करंट अकाउंट सरप्लस का। उसके बाद जो इंडिया है, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री, फास्टेस्ट कंट्री टू रोल आउट द 10 लाख वैक्सीन इन 6 डे। 6 दिन में हमारी जो इंडिया ने पहली कंट्री है जिन्होंने 10 लाख वैक्सीन का रोल आउट किया है, एंड लीडिंग सप्लायर ऑफ द वैक्सीन टू द नाइबरिंग कंट्रीज एंड द ब्राजील। एंड जो हमारी जो इंडिया है, इंडिया बिकमिंग द इकोनॉमी द होम इकोनॉमी टू नॉर्मेलिटी एंड ब्रॉट क्लोजर बाय इनिशिएशन एंड मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव। ये वहीं पर लिखी हुई है, यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है कि किस तरह से ड्राइव जो वैक्सीनेशन ड्राइवेशन प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में बताया गया है। इस इट ऑल्सो होप फॉर रोबस्ट द रिकवरी, ओके, एंड इंडियाज मैच्योर पॉलिसी रिस्पॉन्स, ओके, एंड इट्स ऑल्सो बेनिफिट फॉर द लॉन्ग टर्म गेंस, ठीक है, आप इसे रीड कर लीजिएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फिस्कल डेवलपमेंट। फिस्कल डेवलपमेंट यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने क्या सपोर्ट दिया इस COVID-19 सिचुएशन पे, किस तरीके से सपोर्ट दिया, यहाँ पर उसकी बात चल रही है हमारी यहाँ फिस्कल डेवलपमेंट में। सो हमारी गवर्नमेंट ने एक कैलिब्रेटेड अप्रोच को अडॉप्ट किया, ठीक है, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने कैलिब्रेटेड अप्रोच को अडॉप्ट किया फॉर रिकवरी ऑफ इट्स इकोनॉमी ड्यू टू द COVID-19 पैंडेमिक। एंड उन्होंने सबसे पहले एक्सपेंडिचर पॉलिसी जो 2020 उन्होंने उसमें जो हमारी एक्सपेंडिचर पॉलिसी उसमें सबसे पहले जो अप्रोच था उनका, सबसे पहला अप्रोच किन के लिए था, फॉर दी वल्नरेबल सेक्शंस। सबसे पहले उन्होंने सबसे पहले हमारे जो वल्नरेबल सेक्शंस है उनको सबसे पहले सपोर्ट किया, ठीक है, उनका पहला अप्रोच में था। क्योंकि देखिए जो वल्नरेबल सेक्शन हमारी जो इंडिया की वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई है। देखिए दोनों चीजें हमारी जो वल्नरेबल सेक्शन ये अफेक्ट हुई है, एक तो आप अनएम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, या तो आप फूड ले लीजिए, या फिर आप नॉर्मल सी वाटर क्वालिटी ले लीजिए, या फिर स्लम्स एरिया में जो कोरोना से ले लीजिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यही जो सेक्शन से इन्फेक्ट हुई है, तो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहले सपोर्ट किनको किया, वल्नरेबल सेक्शन को। उसके बाद यहाँ पर इस चीज के बारे में बताया जा रहा है। देन उसके बाद जो मंथली GST कलेक्शन है जो हमारी, वो उस 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा, लाल 3 महीनों में सबसे ज्यादा GST कलेक्शन हुई है, एंड इट्स रीचिंग इज हाईएस्ट लेवल इन दिसंबर। 2020 में सबसे ज्यादा GST कलेक्शन देखे गए, और आप इसे मेंशन कर सकते हैं कि GST ने किस तरीके से हमारे इकोनॉमी में किस तरीके से हेल्पफुल हुई, ठीक है, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड रिफ और ये जो GST जो जो मंथली कलेक्शन है, ओके, एंड ये किस तरीके से इतना क्रॉस की गई, ड्यू टू द रिफॉर्म इन द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन,
टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म होने के कारण यहाँ पर इतना यहाँ पर लीड कर रहा है जीएसटी। एंड एंड जो रिफॉर्म इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो हुआ है, इट अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी हैज इंसेंटिवाइज द टैक्स कंप्लेंसी बाय एनहेंसिंग अ ऑनेस्ट टैक्स पेयर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, एंड ये था फिस्कल डेवलपमेंट के बारे में जो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम एक्सटर्नल सेक्टर बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब क्या है? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। जो एक्सटर्नल सेक्टर है हमारा, इस पे बताया गया कि जो COVID-19 जो सिचुएशन थी वो इस तरीके से, एक तरीके से क्या हुई, एक तरीके से हमारी जो ग्लोबल ट्रेड है, हमारा जो ग्लोबल ट्रेड है उसको क्या हुई, एक तरीके से शार्प डिक्लाइन हुई। एंड लोअर द कमोडिटी प्राइस एंड द टाइटिंग द एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कंडीशंस। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो COVID-19 कारण जो हमारा जो शार्प डिक्लाइन थी ग्लोबल ट्रेड में, उसके बारे में बताया जा रहा है। एंड उसके साथ साथ जो हमारी जो इंडिया की जो फॉरेक्स रिजर्व है, इंडिया की जो फॉरेक्स रिजर्व है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो ऑल टाइम हाई था। ठीक है, रिजर्व एट एन ऑल टाइम हाई ऑफ 586.1 बिलियन डॉलर ऑन जनवरी 8, 2021। याद रखिएगा, हमारी जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम नहीं हुई है, आप इसको याद रखिएगा। एंड इंडियाज एक्सपीरियंसिंग करंट अकाउंट सरप्लस अलॉन्ग विद रोबस्ट कैपिटल इनफ्लो, इसको हमने अभी डिस्कस किया। इंडिया एक्सपीरियंसिंग करंट अकाउंट सरप्लस, वही चीजें हैं जो यहाँ पर बार बार डिस्कस की जा रही है। एंड देन सेकंड चीज जो यहाँ पर डिस्कस की जा रही थी, इंडिया इज इंड विद करंट अकाउंट सरप्लस आफ्टर अ पीरियड ऑफ 17 ईयर्स, जो हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मेन चीज बताई गई है, दैट इज इंडियाज मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट वॉज लोअर। यहाँ पर जो इंडिया के जो इंडिया का जो मर्चेंडाइज जो ट्रेड डेफिसिट है वो क्या हो गया, घट गया। वॉज लोअर एट 57.5 बिलियन डॉलर। तो ये क्या हो गया, ये घट गया। ठीक है, तो ये घट गया, कब घट गया, इन अप्रैल अप्रैल टू दिसंबर 2020 एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। सो ये जो मर्चेंडाइज जो ट्रेड डेफिसिट हुआ है, इसका मेन रीजन क्या था, जो लोअर हुआ इसका मेन रीजन क्या है, हमने क्या हुआ, इम्पोर्ट डिक्लाइन हुआ, इम्पोर्ट डिक्लाइन के कारण जो हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया। ठीक है, यहाँ पर डिक्लाइन हो गया, ये जो डिक्लाइन हुआ। ठीक है, और डिक्लाइन होने का दूसरा रीजन क्या है, ट्रेड डेफिसिट का डिक्लाइन होने का दूसरा रीजन है, यहाँ पर एक्सपोर्ट सेक्टर है, एक्सपोर्ट है, हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया और इम्पोर्ट थोड़ा कम किया, तो उसके कारण क्या हुआ, एक्सपोर्ट ज्यादा होने के कारण यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट हुआ, एक दूसरा रीजन होता है यहाँ पर। तो और यहाँ पर जो टोटल मर्चेंडाइज इम्पोर्ट जो कि -29.1% जो डिक्लाइन यहाँ पर जो दिखा दे रहा है, ये डिक्लाइन हुआ उस टाइम पे। एंड ये जो डिक्लाइन हुआ, ये क्यों डिक्लाइन हुआ, बिकॉज ऑफ द शार्प डिक्लाइन इन POL। POL मैंने आपको बताया, पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, जो इसमें एक तरीके से शार्प डिक्लाइन होने लगा। पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स का जो इम्पोर्ट था वो हमने बंद कर दिया। तो एक इम्पोर्ट डिक्लाइन का एक मेजर इशू अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसे डाल सकते हैं। देखिए, इसके दो प्रॉफिट हैं, अगर आप यहाँ पर देखें तो POL इम्पोर्ट बंद हुआ तो इससे करंट अकाउंट सरप्लस हो रहा है और इम्पोर्ट हमारा डिक्लाइन हो रहा है। तो एक देख लीजिएगा आप इसे, एक तरीके से आप इसे पॉइंट में कहीं आप ऐड कर सकते हैं कि POL अगर डिक्लाइन भी हो रहा है तो इससे बेनिफिट भी है। बेनिफिट क्या है, हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो रहा है और हमारा इम्पोर्ट डिक्लाइन हो रहा है, और ये एक इनिशिएटिव हो रहा है टुवर्ड्स दी सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। देन उसके बाद दूसरी चीज है, फिर बाद में, पहले तो इम्पोर्ट हमारा डिक्लाइन हो रहा था, बाद में धीरे धीरे से ये क्या हो गया, ग्रोथ में आने लगा, एक्सेलरेटेड द पॉजिटिव ग्रोथ, जैसे कि हम सोल्ड सिल्वर इम्पोर्ट करने लगे। ठीक है, उसका नॉन POL थिंग्स और नॉन गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्ट्स को हम मंगाने लगे। धीरे धीरे से इम्पोर्ट हमारा जो डिक्लाइन हो रहा था बाद में ठीक होने लगा, और फर्टिलाइजर्स, वेजिटेबल ऑयल, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, पेरिफेरल्स हैव कंट्रीब्यूटेड द पॉजिटिवली टू द ग्रोथ ऑफ नॉन POL, नॉन गुड एंड नॉन सिल्वर इंपोर्ट्स। उसके बाद यहाँ पर एक्सटर्नल सेक्टर में एक बात की जा रही है, दैट इज अ ट्रेड बैलेंस। एक ट्रेड बैलेंस इंप्रूव हुआ है चाइना एंड यूएस के साथ। यूएस के, चाइना के साथ तो कुछ ज्यादा ही ट्रेड बैलेंस इंप्रूव हुआ है विद यूएस एज इम्पोर्ट स्लो। जैसे हमने इम्पोर्टिंग जो थिंग्स हमने उसको स्लो किया, इम्पोर्ट को हमने स्लो किया, तो एक ट्रेड बैलेंस है जो चाइना और यूएस के बीच, ये क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया। ठीक है, इम्प्रूव होने के बाद रिजिलियंस ऑफ द सर्विसेज सेक्टर, सो कि रिजिलियंस ऑफ द सर्विस सेक्टर की बात यहाँ पर की जा रही है। तो सर्विस सेक्टर में क्या हुआ, जो इंडिया हमारी जो एक्सपोर्ट करती है सर्विस सेक्टर में, उसमें से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल किया वो किया सॉफ्टवेयर सर्विस। सो 49% क्राइटेरिया लेके रखा है सॉफ्टवेयर सर्विस, जिसने सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट में वर्क किया है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा कि सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा जो
क्राइटेरिया जो इस साल अकाउंट किया गया, सबसे ज्यादा अकाउंट किया गया है, वो किया गया सॉफ्टवेयर सर्विस। सो सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की बात की जा रही, तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या किया गया है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज को। ओके, तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज विच अकाउंट फॉर 49% ऑफ द टोटल सर्विस सेक्टर। उसके बाद और जो सेकंड पॉइंट है, कौन सा रीजन जिसके कारण जो ट्रेड बैलेंस विद चाइना एंड यूएसए इंप्रूव हुआ है, वो है वो क्या है, वो है नेट प्राइवेट ट्रांसफर रिसीप्ट। मतलब जो जो रेमिटेंस मनी है, वो जो रेमिटेंस मनी है, ठीक है, जो इंडियंस जो बाहर रहते हो इंडिया में जो भेजते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वहां पर उसे देखा जा रहा है कि पॉजिटिव ग्रोथ है। देन उसके बाद आरबीआई इंटरवेंशंस के बारे में हम देख लेते हैं। तो ये दो चीजें हैं यहाँ पर जिसके कारण एक ट्रेड बैलेंस बना चाइना और यूएस के बीच। उसके बाद यहाँ पर जो आरबीआई ने क्या वर्क किया उसको देख लेते हैं। आरबीआई इंटरवेंशंस इन फॉरेक्स मार्केट, इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ऑर्डर कंडीशंस। तो आरबीआई ये नॉर्मली ये चीज करती है कि वो इंश्योर करती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, ऑर्डरली कंडीशन जो सारी चीजें हो फॉलो हो। उसके बाद हमारी जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ कुछ इनिशिएटिव्स लिया, हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया टू प्रमोट द एक्सपोर्ट सेक्टर, इसको देख लेते हैं। सो हमारी गवर्नमेंट ने तीन चीजों को इनिशिएटिव लिया टू प्रमोटिंग द एक्सपोर्ट सेक्टर। सो पहला इनिशिएटिव क्या था, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसके अंदर जो हमने इसको हमने दो तीन दिन पहले जो हमारी जो पीआईबी थी ओके, उस पर हमने ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को कवर किया हुआ है, एंड वहां पर से आप इसको देख सकते हैं। हमने डेली पीआईबी एनालिसिस में हम ये सारी चीजें कवर की है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, इंप्रूवमेंट इन लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल इनिशिएटिव। हमने तीनों चीजों को अपने पुराने डेली पीआईबी एनालिसिस में कवर किया, आप वहां से इसको ब्रॉडली पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर बस नॉर्मली से डिस्कस कर लेते हैं कि जो ये तीन इनिशिएटिव्स लिए गए थे हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टू प्रमोटिंग द एक्सपोर्ट सेक्टर। एंड यहाँ पर जो पीएलआई स्कीम है, इसमें स्टार्टिंग में पहले सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स और ड्रग्स को ऐड किया गया, तो बाद में 10 इंपॉर्टेंट की सेक्टर्स को डाल दिया गया पीएलआई स्कीम्स में फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट। ठीक है, जिस तरीके से इंडिया को एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ाने के लिए यहाँ पर पीएलआई स्कीम, आरओडीटीपी एंड द इंप्रूवमेंट इन लॉजिस्टिक इस तरीके से लाया गया। यहाँ पर इंप्रूवमेंट इन लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर से आप एक चीज नोट कर लीजिएगा, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में किस तरीके से इंडिया वर्क कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर रिकॉल कर लीजिए, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात की जा रही है यहाँ पर, इंप्रूव हुआ जो, आप यहाँ पर उस चीज को डाल सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट सेक्टर में ये भी आ गया। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप। देन नेक्स्ट यहाँ पर मनी मैनेजमेंट एंड द फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन की से रीड कर ले, तो यहाँ पर आरबीआई की बात कर रही है, यहाँ पर हमारी जो इकोनॉमिक सर्वे है, जो हमारी गवर्नमेंट है, यहाँ पर आरबीआई की बात कर रही है कि आरबीआई ने किस तरीके से वर्क किया, आरबीआई ने किस तरीके से वर्क किया टू बूस्ट द इकोनॉमी, किस तरीके से मनी सप्लाई इंजेक्ट किया हमारी इकोनॉमी में कि जो इकोनॉमी है और ज्यादा डाउन ना जाए। ओके, सो हमारी जो इंडियन जो हमारी सेंट्रल बैंक है, जो आरबीआई है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अकोमोडेटिव मॉनेटरी सप्लाई पॉलिसी को यूज किया। अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी मतलब यहाँ पर रेपो रेट की बात चल रही है, उन्होंने 115 बीपीएस कट किया। ठीक है, सो रेपो रेट मैंने आपको बताया था कि आरबीआई एक तरह का कॉमर्शियल बैंक को एक लोन देती है फॉर अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, एंड उसमें क्या देती थी, पहले क्या करती थी, एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग के साथ मान लीजिए 10% का इंटरेस्ट के साथ देती थी, लेकिन जब पैंडेमिक आया तो उस इंटरेस्ट रेट को पहले बात कम कर दी, उस इंटरेस्ट रेट को कितना कम की, 1.15 बीपीएस से घटा दी, और घटाने के बाद इंटरेस्ट रेट कम कर दी, एंड फिर भी कॉमर्शियल बैंक वाले क्या कह रहे थे कि कोरोना है तो हम इतने शॉर्ट टर्म में आपको पैसे तो रिटर्न नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारी जो आरबीआई उन्होंने क्या की, लॉन्ग टर्म बोरोइंग देने लगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म ऑपरेशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, फिर टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन स्टार्ट की, उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन स्टार्ट की। इस तरीके से उन्होंने कर करके हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी जो आरबीआई है, उन्होंने इस तरीके से इकोनॉमी में हेल्पफुल किया इस पैंडेमिक सिचुएशंस पर। तो यहाँ पर इस सब चीजों के बारे में बात की जा रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात की जा रही है, जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का डिक्रीज हुआ था फ्रॉम 8.21% एट द एंड ऑफ मार्च एंड टू 7.49% to end September 2020. So, यहाँ पर GNPA जो कि घटा, यहाँ पर ये बात की जा रही है। तो यहाँ पर अब टूल्स याद रखिएगा, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन रीड कर लीजिएगा, लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस के बारे में ये क्या होते हैं एंड ये किस तरीके से वर्कफुल हुआ था हमारे कोविड 19 सिचुएशंस में।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात की जा रही है प्राइस इन्फ्लेशन के बारे में, प्राइस इन्फ्लेशन के बाद बात की जा रही है, तो यहाँ पर हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन के बारे में बात की जा रही है। सो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन इज द मेजर ऑफ टोटल इन्फ्लेशन विद एन इकोनॉमी, इट इंक्लूड प्राइस राइज इन फूड फ्यूल एंड ऑल अदर कमोडिटीज, तो इसको कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि प्राइस इन्फ्लेशन में सबसे ज्यादा जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो कहाँ हुआ है, राइज इन दी फूड इन्फ्लेशन। सो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन अगर देखा गया है COVID-19 कारण, तो वहां पर देखा गया है कि राइज इन फूड इन्फ्लेशन, फूड्स में देखा गया है ये इन्फ्लेशन को, ठीक है। एंड जो इन्फ्लेशन है, एंड ये इन्फ्लेशन क्या किया है, एक तरह का रूरल अर्बन डिफरेंसेस इन सीपीआई इन्फ्लेशन डिक्लाइन, शॉर्ट डिक्लाइन, और जो रूरल अर्बन के बीच में जो डिफरेंसेस था सीपीआई इन्फ्लेशन का, वो क्या हो गया, डिक्लाइन देखा गया है। एंड जो डिक्लाइन देखा गया है उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ चीजें बात की गई, जैसे नवंबर 2019 में सीपीआई अर्बन इन्फ्लेशन हैज अ क्लोज गैप विद द सीपीआई रूरल इन्फ्लेशन, ओके। देन उसके बाद फ्लड इन्फ्लेशन हैज फूड सॉरी फूड इन्फ्लेशन हैज आल्सो कन्वर्ज्ड फ्लो, यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में बात की जा रही है। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ डाटास दिए गए हैं, कंट्रीब्यूशन इंक्रीज टू 59% ड्यूरिंग द अप्रैल दिसंबर 2020 एंड कंपेयर टू 53%, यहाँ पर जो किस तरीके से कंट्रीब्यूशन से किस तरीके से जो अप्रैल में किस तरीके से, फिर पहले ये दिसंबर तक जो दिसंबर के पहले तक जो हमारा फूड जो था वो पहले क्या था, बहुत ज्यादा राइज हो रहा था, उसके बाद फूड का जो प्राइस था वो नॉर्मल हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है, स्टेबल हो गया। एंड स्टेबल होने के बाद 59% धीरे धीरे से जो इंक्रीज हो रहा था, ओके, फिर वो क्या हो गया, इंक्रीज हुआ, इसका कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे से इंक्रीज हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो थाली कॉस्ट हो गया, जो थाली कॉस्ट का, थाली कॉस्ट का मतलब नॉर्मल से चीज ये है कि जो एजेंशियल फूड कॉमोडिटीज होती है वो क्या हो गई, वो इंक्रीज हो गई थी COVID-19 के कारण, जो फूड कॉमोडिटीज हैं वो इंक्रीज हुई थी बिटवीन जून 2020 एंड नवंबर 2020, लेकिन बाद में क्या हो गई, दिसंबर में क्या हो गया, इन सब चीजों के प्राइजेस गिरने लगी, ठीक है। यही सब ट्रेंड है यहाँ पर जो बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर हेडलाइन इन्फ्लेशन आपको याद रखना है कि और किस तरीके से फूड में इंक्रीज हुआ। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने ढेर सारे स्टेप्स लिए थे जो फूड इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, ओके, एंड फूड इन्फ्लेशन को रोकने के लिए सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, यहाँ पर इसी को बताया गया है, हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट ने जो फूड जो इन्फ्लेशन जो इस टाइम चल रहा था तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या क्या किया, बैनिंग ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ऑनियंस, इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक लिमिट ऑन ऑनियंस, ईजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट ऑफ पल्सेस, ये तीन चीजों की हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है, फॉर फूड इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। स्टेट वाइज ट्रेंड देख लेते हैं, स्टेट वाइज में क्या हुआ, रीजनल वेरिएशन परसिस्ट, रीजनल वेरिएशन तो रहती ही है, जो यहाँ पर भी देखा गया कि रीजन वेरिएशंस वेरिएशंस देखा गया, इन्फ्लेशन रेंज फ्रॉम 3.2% टू 11% अक्रॉस द स्टेट, इन्फ्लेशन देखा गया 3.1 टू 11% का इन्फ्लेशन देखा गया अक्रॉस द स्टेट एंड यूटीज, एंड फ्रॉम जून टू दिसंबर 2020 अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो। अब यहाँ पर गोल्ड प्राइसेस की बात कही जा रही है, तो गोल्ड प्राइसेस यहाँ पर एक ऐसी चीज है जहां पर बहुत कम घाटा लगता है किसी भी पर्सन को, क्योंकि गोल्ड को यहाँ पर गोल्ड को क्या बताया जा रहा है, गोल्ड एज अ सेफ हेवन टू इन्वेस्टमेंट एमिड इन COVID-19। COVID-19 में गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट कहा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि एंड इंड्यूस्ड इकोनॉमिक, अगर इकोनॉमिक में अनसर्टेनिटी भी आती है तब यहाँ पर गोल्ड क्या है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बताया जा रहा है, एंड कंपेयर टू अदर एसेट्स के साथ कंपेयर करने के साथ। एंड यहाँ पर जो 2020 और 2021 में जो गोल्ड के जो रिटर्न्स हैं, अगर अदर एसेट से ज्यादा रिटर्न दिए गए, ठीक है, इतना है। उसके बाद यहाँ पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ चीजों पे एक तरह का अटेंशन जताया कि जैसी जो हमारी स्कीम है, जो आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया जो स्कीम है, उसके अंडर हम अभी भी उन कुछ चीजों में हम डिपेंडेंस है दूसरी कंट्री पे क्या है, हम डिपेंड है, जैसे कि इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल पोजेस रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन इन इंपोर्ट प्राइसेस, ओके, हम इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल पे क्या है, अभी भी हम क्या है, डिपेंड है,
ठीक है, हम इम्पोर्ट करते हैं एडिबल ऑयल को, और उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर हम कोई भी चीज जैसे एडिबल ऑयल हो गया हम इम्पोर्ट करते हैं तो उसका क्या होता है, फ्लक्चुएशन होते रहता है इम्पोर्ट प्राइस का। तो उसका हम जैसे कि इम्पोर्ट प्राइस अगर हमें इंडिया दूसरे इस वैल्यू पे किसी भी मान लीजिए 47 पे खरीद रही है, पहले 47 में खरीदते थे, फिर 57 हो गया, तो हमारे इंडियन मार्केट के भी तो वैल्यू जो जो हमें भी जो ऑयल मिलेगा वो भी तो फ्लक्चुएशन में ही मिलेगा। तो ये एक यहाँ पर एक अटेंशन है जता रहा है यहाँ पर ये, कि किस तरीके से यहाँ पर हमें वर्क करना चाहिए, कि किस तरीके से जो डिपेंडेंसी है उसको घटाना चाहिए। इसके लिए हमारे जो प्रधानमंत्री का जो विजन आत्मनिर्भर भारत है यहाँ पर वर्क कर रहा है धीरे धीरे। एंड दूसरा यहाँ पर जो डिपेंडेंसी बताई जा रही है दैट इज द प्राइस ऑन एडिबल ऑयल, जो हम बात कर चुके हैं, कपल्ड विद द फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ पल्सेस एडिबल ऑयल्स, दीज थिंग्स के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। उसका नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज एग्रीकल्चर एंड द फूड मैनेजमेंट। देखिए हम इसमें वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू दोनों कवर कर रहे हैं। ओके, वॉल्यूम टू में ढेर सारे डाटाज रहते हैं जो हम यहाँ पर कवर कर लिए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर अब आगे देखते हैं, हमने जो पहले भी डिस्कस किया है, इंडिया एग्रीकल्चर एलाइड और एलाइड सेक्टर मतलब फिशरीज सेक्टर हो गया, डेयरी सेक्टर हो गया, उसको कहते हैं एलाइड सेक्टर्स, ठीक है। तो इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पर देखा जा रहा है कि 3.4% का ग्रोथ लेके आ रहा है ड्यूरिंग द 2020-2021। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर है जो सबसे ज्यादा इस बार हेल्पफुल माना गया है, बहुत ज्यादा दिखा गया है, इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ देखा गया है एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। देखिए हमेशा इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर ही सबसे ज्यादा वर्क और ग्रोथ दिखाती है, लेकिन इस साल उल्टा हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पर 3.4% का। उसके साथ साथ यहाँ पर जो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर इन जीवीए वो भी क्या हुआ है, करंट प्राइस इज 17.8%। यहाँ पर जो शेयर है जो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर का जो ग्रॉस वैल्यू एडेड में वो भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ 17.8%। उसके बाद जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द कंट्री इन द एग्रीकल्चर 2019, ओके, ये क्या हुआ है 11.44 मिलियन टन मोर देन 2018-19। 2018-19 से जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो क्या है, ज्यादा है। 2018 से अगर इसको यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है कि 2018-19 से जो टोटल फूड प्रोडक्शन है वो क्या है, ज्यादा है 2019 का। यहाँ पर जो एक्चुअल एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो है यहाँ पर सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ओके, जो टारगेट रखा गया था वो 13,50,000 करोड़ का टारगेट रखा गया था, लेकिन यहाँ पर हमने क्रेडिट फ्लो कितना हुआ है, 13,092,469 करोड़ रुपए का, सॉरी 13,92,469 करोड़ का यहाँ पर क्रेडिट फ्लो हुआ है। सो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, फार्मर्स को एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसे बूस्ट किए, एक्चुअली में मनी सप्लाई की है। ओके, मनी सप्लाई के लिए हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट ने, क्रेडिट फ्लो की बात करते हुए यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने दो तीन स्कीम्स के नाम लिए हैं, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया। ओके, आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया गया एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए, ठीक है। 1.5 करोड़ डेली फार्मर ऑफ मिल्क ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज वर टारगेटेड टू प्रोवाइड अ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स। तो ये सब एक रीजंस है, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स, ये सब चीज, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सब एक रीजन है, यही सब एक रीजन है कि हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 3.4% ग्रोथ की। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर पे इतना वर्क किया, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके बाद यहाँ पर जो बताया गया है आत्मनिर्भर भारत पैकेज, ये सब एक रीजन है जिसके कारण क्या हुआ, 3.4% का ग्रोथ हमें देखा गया। उसके साथ साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जो क्लेम्स वर्थ रुपीज 90,000 करोड़ पेड ऑन द 12 जनवरी, यहाँ पर बताया जा रहा है किस किस तरीके से प्रधानमंत्री फसल योजना के अंदर कितने कितने पैसे भेजे गए। उसके बाद यहाँ पर पीएम किसान के बारे में बात की जा रही है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने 7th इंस्टॉलमेंट ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट 7th इंस्टॉलमेंट रिलीज किया था टू द 9 करोड़ फैमिलीज, पीएम किसान स्कीम की बात यहाँ पर की जा रही है। और ये पीएम किसान को हमने ब्रॉडली डिस्कस किया अपने पीआईबी डेली एनालिसिस में जो हमेशा आता रहता है, तो पीएम किसान को भी हमने डिस्कस किया था यहाँ पर, इसके बारे में बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पर बता रहे हैं कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है, वो भी एक तरह का ग्रोथ दिखा रही है 99.9% कंपेयर टू द अराउंड 3.12% एग्रीकल्चर सेक्टर। सो ये एक सनराइज इसको माना जाता है, एक सनराइज इंडस्ट्री के नाम से माना जाता है, क्योंकि जो फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं इन्हें एक सनराइज इंडस्ट्री भी बोला जाता है, क्योंकि ये हमेशा ग्रो करती रहती हैं। ओके, यहाँ पर ये सेक्टर ग्रो किया है एट एवरेज एनुअल ग्रोथ ऑफ अराउंड 9.99% एज कम्पेयर टू अराउंड 3.12% इन एग्रीकल्चर एंड 8.25% इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ड्यूरिंग द
लास्ट 5 ईयर्स। और यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए काफी स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान संपदा इस योजना या फिर स्कीम बोल लीजिए, यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर स्कीम लाई गई। एंड जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा सनराइज ही रहता है, सनराइज सेक्टर कहा जाता है क्योंकि इसमें हमेशा ग्रोथ ही होता है, एनुअल एवरेज ग्रोथ होता है। उसके यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात की जा रही है, जहाँ पर हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने फूड ग्रेन्स इस COVID-19 सिचुएशन में प्रदान किए थे लोगों को। उसके बाद आत्मनिर्भर पैकेज के बारे में बात की जा रही है, जिसमें 5 kg पर पर्सन पर मंथ फॉर 4 मंथ्स मई टू अगस्त दिया गया था, पैसे दिए गए थे। उसके बाद 8 करोड़ माइग्रेंट्स को कुछ कुछ खाने के लिए दिया गया था, उन्हें सब्सिडी प्रदान की गई थी, ये बताया जा रहा है आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चीज हमारा जो बताया जा रहा है वो इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जो इंडस्ट्री और शेयर सेक्टर जो जिस तरीके से डिक्लाइन की गई है, तो यहाँ पर जो IAP का डाटा आता है, ठीक है, IAP का जो डाटा आता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बताया जा रहा है, यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जो IAP के डाटा के अंदर एक इस तरह का स्ट्रॉन्ग, एक तरह का स्ट्रॉन्ग वो देखा जाएगा, ओके, एक तरह का स्ट्रॉन्ग वी शेप्ड, एक तरह का वी शेप्ड रिकवरी देखी जाएगी, ओके। यहाँ पर IAP का मतलब है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ओके। सो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डाटा है उसको देखते हुए यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट बता रही है कि जो हमारा जो इतना भी लॉस हो रहा है, जो इकोनॉमी जो डाउन जा रही है, ये रिकवर हो जाएगी। ये रिकवर कैसे होगी, स्ट्रांग वी शेप्ड रिकवरी देखी जा रही है इन सब सेक्टरों में, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक स्ट्रांग वी शेप्ड रिकवरी देखी जा रही है। एंड ये किस लिए देखी जा रही है, कैसे देखी जा रही है, बाय कंपेयरिंग दी IIP डाटा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डाटा के द्वारा। देखिए यहाँ पर IIP का जो डाटा है, एंड 8 कोर इंडस्ट्रीज है, 8 कोर इंडस्ट्रीज, देखिए IIP के अंदर 8 कोर इंडस्ट्रीज है जो 40% क्राइटेरिया कवर करती है इंडेक्स ऑफ इंडेक्स प्रोडक्शन, ओके, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा का 40% कवर करती है 8 कोर इंडस्ट्री। 8 कोर इंडस्ट्री में जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, सीमेंट ले लीजिए, ये सब आता है, ओके, 8 कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है। एंड यहाँ पर बताया गया है कि नवंबर के महीने में जो IIP माइनस माइनस 1.9% देखा गया था नवंबर के महीने में, एज कम्पेयर टू द ग्रोथ ऑफ 2.1% नवंबर 2019 का, अगर नवंबर की बात करें तो उसमें 2.1% का ग्रोथ देखा गया था, लेकिन 2020 पैंडेमिक के कारण यहाँ पर माइनस 1.9% देखा गया है। एंड यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का यहाँ पर इंडेक्स की बात हमारी गवर्नमेंट कर रही है कि इंडिया की जो रैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2019 में किस तरीके से इम्प्रूव हुई, हैज इम्प्रूव अपवर्ड टू 63 थर्ड पोजीशन इन 2020, ठीक है। सो जो जो हमारी जो रैंक थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स फॉर 2019 हैव मूव अपवर्ड टू दिस 63 थर्ड पोजीशन इन 2020, ओके। जो हमारी जो इंडिया की जो रैंक है वो किस तरीके से 63 हो गई, ओके, 63 पोजीशन इन 2020 फ्रॉम 77 इन 2018। तो 2018 से हमारी जो रैंक है किस तरीके से सुधर गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। एंड इंडिया और कहाँ कहाँ सुधार लाई, ये देख लेते हैं। हमारी जो इंडिया, इंडिया हैज इम्प्रूव इट्स पोजीशन इन 7 out of 10 इंडिकेटर्स, जो हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो 10 इंडिकेटर उसमें से जो 7 इंडिकेटर्स में इंप्रूवमेंट लाई है। इंडिया इज वन ऑफ द टॉप इंप्रूवर एंड द थर्ड टाइम इन अ रो विद इंप्रूवमेंट ऑफ 67 रैंक इन द 3 ईयर्स, एंड इट हैज द हाईएस्ट जंप बाय एनी लार्ज कंट्री सिंस 2000, और 2011 से कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा लॉन्ग जंप अगर लेने वाली कोई कंट्री है इंप्रूवमेंट में तो वो हमारी कंट्री इंडिया है। उसके बाद यहाँ पर फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है कि जो इनफ्लो है वो क्या है, इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर 2019। एंड जो इंक्रीज हुआ है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ, वो जो इनफ्लो हुआ है वो किस सेक्टर में हुआ है, वो हुआ है नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्टमेंट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो हुआ है, जो बल्क ऑफ FDI इक्विटी इनफ्लो है वो कहाँ हुआ है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। आप इसको याद रखिएगा, FDI नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा इनफ्लो हुआ है, नॉट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। सो नॉन मैन्युफैक्चरिंग सच एज नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हुआ है। एंड विद द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लाइक ऑटोमोबाइल, टेलीकम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजिकल, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, केमिकल, फूड प्रोसेसिंग एंड गॉट द बल्क ऑफ FDI। एंड इसके अंदर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजिकल, नॉन कमीशन, इसके अंदर भी सुधार देखे गए। एंड इन सब चीजों को बूस्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है। स्कीम का लॉन्च है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया गया है। और इसके अंदर 10 की सेक्टर अंडर द एजीज ऑफ आत्मनिर्भर भारत फॉर इनहेंसिंग द मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड एक्सपोर्ट, सुधारने के लिए यहाँ पर
इसे लाया गया। उसके बाद सर्विस सेक्टर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर में क्या हुआ है, हमारा जो इंडिया का सर्विस सेक्टर है वो कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, -16% हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है -16% ड्यू टू द कोविड-19 सिचुएशंस। एंड एंड हमारी जो की इंडिकेटर्स है, यहाँ पर की इंडिकेटर्स किस चीज का बात की जा रही है, जैसे सर्विस परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, रेल फ्राइट ट्राफिक, पोर्ट ट्राफिक, ये सब डिस्प्ले कर रहे हैं कि एक वी शेप की रिकवरी देखी जा सकती है। एंड जैसे कि लॉकडाउन खत्म होने, जैसे लॉकडाउन डिक्लाइन होगा, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, ओके, यहाँ पर एक वी शेप की कैटेगरी, वी शेप रिकवरी देखी जाएगी कि ये सब धीरे धीरे से हमारी जो इकोनॉमी है ये बूस्ट होगी। यहाँ पर वी शेप रिकवरी देखी जा रही है, हमने वी शेप रिकवरी को मैंने बता दिया है, ओके। उसके साथ साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सर्विस सेक्टर है हमारा वो कितना हमारी कंट्रीब्यूट कर रहा है, 54% ऑफ इंडिया ग्रॉस वैल्यू एडिशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, 54% कंट्रीब्यूट कर रहा है टू इंडिया इंडिया जीडीए, ओके। एंड यहाँ पर जो सेक्टर है, यहाँ पर जो सेक्टर है, सेक्टर जो सबसे ज्यादा बढ़े गए हैं, जो सेक्टर इन जीबीए एक्सीड्स 50% इन 15 आउट ऑफ द 33%, एंड यूटीज एंड दिल्ली एंड चंडीगढ़ में ग्रेटर 85% का एक्सेसमेंट एक्सेस देखा गया है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ हमारी जो इंडिया ने स्टार्टअप की बात की है कि इंडिया इज अ इंडिया आज का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो किस तरीके से बढ़ा है कोविड-19 में, एंड अमंग बीइंग होम टू 38 यूनिकॉर्न, मतलब यूनिकॉर्न का मतलब यहाँ है, यहाँ पर जो फॉरेन कंट्रीज होती है जो हमारे इंडिया में आती है एज अ स्टार्टअप। सो एक अच्छा स्टार्टअप और प्रोग्रेस यहाँ पर देखा गया हमारी इंडिया के लिए, और इंडिया इस स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए स्टार्टअप एक स्कीम भी लॉन्च किया जो आप रीड कर सकते हैं, उसके एक अलग से पोर्टल है, आप वहां से रीड कर लीजिए। तो एक इंडिया एक अच्छा डेस्टिनेशन है स्टार्टअप इकोसिस्टम का, एंड इंडिया ने इसके साथ साथ स्पेस सेक्टर में भी सबसे ज्यादा पास्ट 6 डिकेड्स में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस यहाँ पर देखा गया है इंडिया का स्पेस सेक्टर में। एंड इंडिया ने स्पेंड किया है $1.8 बिलियन on the space program in 2019 and 20, and space ecosystem is undergoing a several policies reform to engage private players and attract innovations investments, okay। उसके साथ साथ यहाँ पर बात की जा रही है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बात की जा रही है नेशनल डेवलपमेंट क्लाइमेट चेंज के बारे में, और यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया ने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हमने जो इंडिया है वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको पीछे नहीं छोड़ा है, इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी वर्क किया है। और उसके साथ साथ एक रिव्यू है जो जो एक रिव्यू है जो करती रहती है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में की रिव्यू करती रहती है हर कंट्री का करती है, वॉलंटरी नेशनल रिव्यू हुआ था बाय प्रेजेंटेड टू द यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एक रिव्यू है जो करती है ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक यूनाइटेड नेशन का एक गोल है, याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन के 30 गोल्स है जिसमें से नो पॉवर्टी, जीरो हंगर एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो कुल मिला के 17 गोल्स हैं जो 2030 तक सारी कंट्री को अचीव करना है, ओके। तो इसके लिए हमारी इंडिया भी इस पर वर्क कर रही है, ओके, 2030 तक ये एजेंडा को अचीव करना है, ये यूनाइटेड नेशन का गोल है, जिसमें से हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोकलाइजेशन ऑफ SDG, ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सो इसको क्या कर रही है, लोकलाइज कर रही है रूरल एरियाज के साथ, इसको कनेक्ट कर रही है कि ताकि 2030 तक जो हमारा जो अचीविंग गोल है, जो स्ट्रेटेजी है, उसको पा पाए। उसके साथ साथ जो 8 नेशनल मिशन है, 8 नेशनल मिशन जो अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, सो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है, यहाँ पर बात कर लेते हैं। नेशनल एक्शन ऑन क्लाइमेट, जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके अंदर जो 8 मिशन है, कौन कौन सा है, नेशनल रूरल मिशन, एनर्जी एफिशिएंसी, ओके, एंड यहाँ पर दिया हुआ है देखिए, सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन एंड नेशनल मिशन ऑन द सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटजिक एक्नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इंडिया यहाँ पर बता रही है कि कोविड-19 के कारण हम जो सस्टेनेबल हमारा डेवलपमेंट गोल है उसके साथ साथ जो क्लाइमेट के, हम क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है, जो एमिशन है उसके लिए भी हम एफर्ट कर रहे हैं, और उन्होंने क्लाइमेट के लिए अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉर एडॉप्टेशन मिटिगेशन प्रिपेयरनेस ऑन क्लाइमेट रिस्क, उसको भी यहाँ पर बताया कि हमारे जो 8 जो मिशंस है अंडर NAPCC उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं। उसके साथ साथ इंडिया ने यहाँ पर इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करी जा रही है। जो COP 21 हुआ था हमारा, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, वहां पर क्या बताया गया था कि ग्रीन हाउस गैसेज है
उसका जो एमिशन है उसको कम करना। तो इंडिया यहाँ पर डिटरमाइंड है उसके लिए भी, कि जो हमने पेरिस अग्रीमेंट किया है हुआ है उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखिए कि जो सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 26 होने वाली है 2021, वो क्या हो गई है, पोस्टपोन हो गई है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ इंडिया ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ साथ यहाँ पर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की जा रही है, यहाँ पर उन्होंने बताया कि हमने ग्लोबली भी किस तरीके से सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, एंड हम जो प्रॉमिस किए उसको उस पर वर्क करते हुए उन्होंने दो इनिशिएटिव लॉन्च किए, दैट इज अ वर्ल्ड सोलर बैंक एंड द वन सन एंड वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, ठीक है, एंड पोइज्ड टू ब्रिंग अबाउट द सोलर एनर्जी रिवोल्यूशन ग्लोबली। सो सोलर एनर्जी रिवोल्यूशन ग्लोबली के लिए इंडिया वर्क कर रही है। उसके बाद जो हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट जो चीज है हम उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज अ सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर एम्पावरमेंट एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट। ये हमारा जो लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे का। सो इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पर इंडिया का जो सोशल सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है 2021 में, एंड इंडिया की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर में जो रैंक है इंडिया का वाज रिकॉर्डेड एज 131 आउट ऑफ द 189 कंट्रीज, ओके। एंड उसके बाद जो इंडिया का जो ग्रॉस नेशनल इनकम है पर कैपिटा वो भी इंक्रीज हुआ है यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए हम ये सब चीज कवर कर चुके हैं पहले ही, लेकिन हम इसको सेपरेट टॉपिक्स में कवर कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ है वो भी इम्प्रूव हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ वो भी इम्प्रूव हुआ है। उसके साथ साथ जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, एक्सेस टू डाटा नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज कंप्यूटर लैपटॉप, ये क्या हो गया, एक तरह का इम्पोर्टेंस, एक तरह का जो ऑनलाइन लर्निंग है एंड रिमोट वर्किंग है, ये इसमें भी क्या हो गया, इस तरीके से हम यहाँ पर एक्सेस पा पाए, एक्सेस पा पाए यहाँ पर एक तरीके से इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस हुई। लेकिन इंपॉर्टेंस किस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हमारी जो गवर्नमेंट है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, उसको यहाँ पर ये सबसे ज्यादा काम आई, इस तरीके से जो गवर्नमेंट का इंसेंटिव है टू बूस्ट द इम्प्लॉयमेंट थ्रू द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, यहाँ पर ये काम है किस तरीके से लोगों को रोजगार मिले इस आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से। उसके साथ साथ यहाँ पर जो लेबर जो 4 लेबर कोड्स थे उसको सिंप्लीफाई किया। उसके साथ साथ हमारे देश में देखा गया कि लो लेवल ऑफ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखेगा, ठीक है, अभी भी है लेकिन कम देखा गया है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री यहाँ पर प्रधानमंत्री के बारे में बात की जा रही है, प्रधानमंत्री गृह गृह विकास योजना के बारे में बात की जा रही है, ओके। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में बात की जा रही है कि किस तरीके से हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 500 रुपये जो डिजिटली ट्रांसफर किया गया था फॉर 3 मंथ्स इन टू अ बैंक ऑफ द वुमेन बेनिफिशरीज, किस तरीके से कोविड-19 में यहाँ पर बात की गई, ओके। उसके साथ साथ यहाँ पर किस चीज़ की और बात की जा रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में बात की जा रही है कि उन्होंने अमाउंट ट्रांसफर किया था फॉर 1,000 टू ओल्ड एज विडोज एंड बेनिफिशरीज अंडर द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ओके। तो किस तरीके से गवर्नमेंट ने इनकी जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है किस तरीके से वर्कफुल रही, ठीक है। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस एंड सिलेंडर्स अबाउट 8 करोड़ फैमिलीज। उसके साथ साथ मनरेगा, ओके, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो था उसके अंदर जो वेजेस हैं वो किस तरीके से इंक्रीज किए गए, ठीक है, पहले 182 रुपीज़ था फिर उसको 202 रुपये कर दिया गया। उसके साथ साथ लिमिट ऑफ कोलेट्रल फी लेंडिंग इंक्रीज बाय ₹20 लाख टू रुपीज बाय ₹10 लाख टू ₹20 लाख फॉर 63 लाख वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप, ओके। उसके साथ साथ ये थी इंपॉर्टेंट इम्प्लॉयमेंट की से रिलेटेड। उसके साथ साथ हमारे जो इंडिया इंडिया किस तरीके से फाइट किया, इंडिया फाइट अगेंस्ट कोविड-19, उसके लिए इंडिया ने हमारे हमारी इंडिया ने मेजर लॉकडाउन यूज किया, सोशल डिस्टेंसिंग, ट्रेवल एडवाइसरीज, SOPs फॉलो की, वेयरिंग अ मास्क, ओके, हर जगह डिजिटली इनोवेटिव वर्क भी हुआ, ठीक है। उसका ढेर सारे आरोग्य सेतु ऐप भी लाए गए। उसके बाद कंट्री हैज ऑल्सो अक्योर्ड अ सेल्फ रिलायंस इन द एसेंशियल कमोडिटीज, हैंड सैनिटाइजर, प्रोडक्टिव इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग मास्क, PPE किट्स, वेंटिलेटर्स, कोविड-19 टेस्टिंग एंड ट्रीटिंग फैसिलिटीज, एंड लास्ट वन किस तरीके से इंडिया फाइट की, लास्ट में हमारे पास द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव प्रोग्राम जो कि अभी भी चल रहा है, ओके। यहाँ पर ये सब चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। सो ये सब चीज़ थी जो हमने सारी चीज़ डिस्कस कर ली है। ये तो पूरा इंपॉर्टेंट समरी हमारी इकोनॉमिक सर्वे के 2020 के बारे में।
अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी डेली पीआरबी एनालिसिस देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल टू गेट द डेली इन्फो ऑफ द डेली पीआरबी एनालिसिस। एंड थैंक यू फॉर बीइंग अवर चैनल।